मंडल सिंह पारा के शारदा कोचिंग सेंटर द्वारा बच्चों के लिए ड्राइंग और क्विज कंपटीशन रखा गया। When was Mahatma Gandhi born? Mahatma Gandhi का जन्म कब हुआ था? उस बीच आपने ऐसा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या संदेश देना चाहते हैं अपने समाज को? सबसे पहले समाज को हम संदेश देना चाहते हैं कि आज के इस जो परिस्थिति रही है, कोविड की परिस्थिति जो रही है, ये हमारे सिर्फ राज्य में नहीं, ये विश्व की एक महामारी है। और इस स्थिति में भी, इस लॉकडाउन पैंडमिक में भी हम लोग देखें कि कहीं ना कहीं शिक्षा पीछे होती जा रही है, 2 साल होने वाली है जो कोविड लगी हुई, और कहीं ना कहीं आगे चलकर शिक्षा के ऊपर प्रभाव होगी। ये सारी चीज़ें गांव अशिक्षित रह जाएगी, परिवार अशिक्षित रह जाएगी, समाज गांव न्यूज़ों के द्वारा परेशान हो जाएंगे। कहने का मतलब कहीं ना कहीं देश या समाज के हैं वो को खतरा होगा।
तो मैंने ऑर्गेनाइज किया श्रद्धा कोचिंग सेंटर को लेकर, और मेरा जो रहा श्रद्धा कोचिंग सेंटर उसका उद्देश्य एक ही है कि बच्चों को आगे बढ़ाना, और बच्चे आगे बढ़ेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा तो राज्य आगे बढ़ेगा, राज्य आगे बढ़ेगा देश आगे बढ़ेगा, और देश आगे बढ़ेगा तो विश्व में हम अपना उद्देश्य को पूरा कर सकेंगे। आपके कोचिंग सेंटर के ओर से देखा गया कि आप चाहते तो अपने सिर्फ अपने विद्यालय को निमंत्रित कर सकते थे, लेकिन देखा गया कि आप बाहरी स्टूडेंट को भी आपने वेलकम किया और भी आपके चाय बगान के या अलग अलग क्षेत्र इलाका से लोगों का निमंत्रण किया। क्या संदेश देना चाहते हैं जो आप लोग उनको भी निमंत्रण दिया? जैसे कि शिक्षा तो एक ऐसी चीज है जो सबको बराबर प्राप्त होने वाली चीज है, ज्ञान जो चीज है, और मेरा श्रद्धा कोचिंग सेंटर का उद्देश्य वही है कि सब प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार प्रचार हो और सभी जो छात्र है वो शिक्षा की ओर बढ़े और देश में शिक्षा का बोलबाला सभी जगह में बोलो वो चीज जो हो वो प्रभावित हो सभी को समाज में अच्छा एक प्रभाव बने। आज क्या क्या कार्यक्रम आयोजन हुआ? आज हम छोटा कार्यक्रम करे हैं और जिसमें क्विज रहा है और ड्राइंग रहा है, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से जो कार्यक्रम जो रही है उसे अच्छा करा है। क्या करेंगे उन लोगों को पुरस्कृत करेंगे, क्या करेंगे? हाँ पुरस्कृत तो करेंगे क्योंकि कोविड ने बहुत सारे बच्चों को बिगाड़ कर रख दिया है। सरकार ने फोन दिया है अच्छी चीज के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, पर उसका अभी देखा जा रहा है कि बहुत मतलब गलत उपयोग हो रहा है, तो उससे भी बच सकते हैं बच्चे शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। तो ये कार्यक्रम फ्री ऑफ कॉस्ट की कहें तो कहीं ना कहीं शिक्षा जो है वो फ्री नहीं होनी चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य जो पैसा कमाना नहीं है। तो फिर भी तो बहुत सारे खर्च है, फिर भी इसके बावजूद भी आपने ये कार्यक्रम के एक सराहनीय कदम है। हाँ वो तो है। किनका किनका योगदान था यहाँ पे इस कार्यक्रम में? यहाँ किनका योगदान रहा तो मेरा श्रद्धा कोचिंग सेंटर के समस्त छात्रगण ने हमें सपोर्ट किया, और हमारे देव सर, माधव सर, साहिल सर और रेणुका मिस, बहुत सारे ऐसे जो महानुभावी लोग भी रहे, जैसे कि हमारे प्रधान और अजय, हमारे आशीष शेट्टी जी, बहुत सारे ऐसे जो महानुभावी और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अनुभवी लोगों ने सपोर्ट करा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। आपका नाम? मेरा नाम सुभाष माही। टीचर है ना, टीचर ही तो मेंशन कर देंगे ना। हाँ आज तो आपके दौसा क्षेत्र इलाके में कुछ बच्चे लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या आप उसको संदेश देना चाहेंगे? काफी दिनों के बाद आज कोई कार्यक्रम में आया हुआ, कुछ सकारात्मक कार्यक्रम में आया हुआ जैसा लगा। बहुत काफी दिनों से कोविड के कारण सब कुछ बंद सा पड़ा है, इस बीच ये हमारे शारदा कोचिंग सेंटर के हमारे मेन इंस्ट्रक्टर सुजीत महली जी, सुभाष महली जी, माधव शर्मा जी, इनका पूरा टीम ने आज जो ये इतना शानदार एक बच्चों का आर्ट कंपटीशन कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए जो बच्चों के लिए आर्ट कंपटीशन क्विज कंपटीशन का जो आयोजन किया गया है, इस प्रोग्राम में मुझे इन्होंने बुलाकर मुझे भी धन्य किया, धन्यवाद है इन्हें जो इन्होंने मुझे बुलाया, और मुझे आज बहुत ही खुशी और आनंद लगा, अच्छा लगा कि इतना शानदार प्रोग्राम हुआ जो एजुकेशन के लिए काफ़ी जरूरी है। इस कोविड पीरियड में एजुकेशन में कुछ थमसा गया है, लेकिन इन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का सब कुछ पालन करते हुए जो आज ये आयोजन किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे शारदा कोचिंग सेंटर को। मुझे विश्वास है आने वाले दिन में ये और इसी तरह का अच्छा एजुकेशन के लिए प्रोग्राम करते रहेंगे। इस क्षेत्र इलाके में ज्यादातर देखा जा रहा है कि लॉकडाउन के चलते पूरी डिवोर्सी कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र इलाके में कोरोना को देखते हुए किस प्रकार का एजुकेशन रिलेटिव कार्यक्रम नहीं हो रहा, हालांकि स्पोर्ट्स तो देखा जा रहा है स्पोर्ट्स कार्यक्रम, लेकिन क्विज जैसे कंपटीशन हो गया, ड्राइंग कंपटीशन, विशेष तौर पर सीचू क्योंकि प्राइमरी स्कूल बंद है, क्या संदेश देना चाहते हैं जो भाई लोग इस कार्यक्रम का आयोजन किया? मैं जो हमारे यहाँ दलसिंह पारा के शारदा कोचिंग सेंटर एवं जो यूथ टीचर्स, मैं उन सभी टीचरों को शारदा कोचिंग सेंटर को मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, क्योंकि आज कोरोना काल में दलसिंह पारा ही नहीं बल्कि संपूर्ण डुअर्स में ही, संपूर्ण राज्य या देश में ही एजुकेशन लेवल में जो कमी आई हुई है, जो बच्चे स्कूल न जाने के कारण, लॉकडाउन के कारण घर में ठीक प्रकार से उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है, उनमें जो शिक्षा संबंधी जो कमी आई है, आज क्विज कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन जैसे
प्रतियोगिता के कारण उनकी जो योग्यता है उसमें निखार आएगी। और मैं इन सारे शिक्षकों को एवं शारदा कोचिंग सेंटर को मैं प्रेरणा देना चाहता हूं, आप लोग इसी प्रकार के कार्य दलसिंहपारा में आगे भी कीजिए ताकि बच्चों में प्रतियोगिता की भावना का विकास हो। क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया सर? आज क्विज और ड्राइंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ यहाँ पर। सर आपकी ओर से, आप एक खुद भी एक शिक्षक है, क्या ये संदेश देना चाहेंगे कि आज के जो युवा वर्ग है उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए? और भी डुअर्स में ऐसे बहुत सारे युवा वर्ग है जो ग्रेजुएट हो चुके हैं या स्कूल से पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो बेकार बैठे हुए, ऐसे कार्यक्रम को लेकर वो भाग ले या अपने गांव क्षेत्र इलाके में करे, इस पर एक तो संदेश दे। मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं बोलना चाहूँगा कि आज हमारा जो समाज है विभिन्न प्रकार के मादक द्रव्य सेवन या ड्रग्स जैसे समस्या से ग्रसित है। मैं सारे युवा वर्गों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि हमें कुपथ में नहीं चलना है, हम सबको मिलकर समाज के दशा और दिशा को निर्धारण करना है, हमें भी इसी प्रकार की योगदान समाज में देना होगा ताकि हम भी सही रास्ता में चले एवं हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी सही मार्गदर्शक प्राप्त हो। मैं संपूर्ण कालचिनी ब्लॉक के युवाओं को मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने गांव में, कालचिनी ब्लॉक के विभिन्न गांवों में युवाओं को मिलकर क्विज कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन या अन्य प्रकार के जो कंपटीशन है उसका आयोजन मिलजुल कर करें। इस आयोजन में उतना खर्च भी नहीं है, हम 4-5-6 युवा मिलके इस प्रकार के कार्यक्रम को हम लोग अंजाम दे सकते हैं, लेकिन इससे बहुत फायदा होने वाला है, हमारे जो बच्चे हैं उनकी जो योग्यता है उसमें निखार आएगी और साथ साथ प्रतियोगिता की भावना की भी विकास होगी और उनमें भी जो लॉकडाउन के कारण जो पढ़ाई अभी बिगड़ रही है उसमें भी कुछ सुधार आएगी। तो हम लोग का कर्तव्य है कि समाज को हम दशा और दिशा निर्धारण करें।